ये आप देख सकते हैं। गुलाम अहमद सरूरी रात दिन रगड़ रहा है, गेट नहीं खोल रहा है कोई, छात्रों में गेट नहीं खुलेगा। सफरुल्ला साहब 160 पोलिंग स्टेशनों के एजेंट नहीं पूरे कर पाएंगे तो वो कहां से आएगा। जिस तरीके से आपको दिखाया गया था कि ये जो है यहां पर जो है पथराव हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये खाली एक अफवाह उड़ाई गई थी। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है लोग बचाना बचाना जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इंद्रपाल से प्यारलाल शर्मा जी उनके साथ मिल रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में उनके नारे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आसपान गांव यानी मड़वा जहाँ पर ये अफवाह फैलाई गई थी कि लेकिन उस टाइम जो हुआ था कि वर्कर्स जो जितने भी थे उनमें क्लैश ये हुआ था कि नारेबाजी हो रही थी आपस में, तो ये देख सकते हैं। एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ में फेंका, बीजेपी के गोद में ये डिलिमिटेशन हुई है जिसमें सुरुड़ी मौजूद था, जिसमें सजाद कचलो मौजूद था। उन्होंने कहा कि पादर सुनील शर्मा, किश्तवाड़ सजाद कचलो, इंद्रवाल गुलाम अहमद सरूरी, ये होने में नहीं दूंगा। मैंने अपने भाई को बोला था आपको इस कारवा में ये प्लेटफॉर्म में अभी आपके लिए रेस नहीं है, थोड़ा सा पीछे हटियो, मैं इनको हटा के आपको फ्रंट पे लाता हूं। लेकिन हुआ क्या, इसको मजबूरन ये मैंडेट सुरुड़ी को था। हमारे उमर साहब फारूक साहब ने कहा कि सुरुड़ी को मैं मैंडेट नहीं दूंगा, अगर आप आज ज्वाइन करवाओगे मैं मैंडेट नहीं दूंगा दूसरा कैंडिडेट को। तो सुरुड़ी ने प्रपोज किया फिर जफरुल्ला साहब को देना, बाद में मैं कांग्रेस में जाऊंगा। खैर आप जो जिनको मैं पसंद हूँ, मेरा मंसूर पसंद है वो मुझे वोट कीजिए, जिनको मैं पसंद नहीं हूँ जफरुल्ला को वोट कीजिए। बीजेपी का खाता तो मैंने उखाड़ दिया है, इनका खाता नहीं है। बीजेपी यहाँ से 500 वोट भी नहीं लेंगे, इनको गिनती में मत रखो। रेस में तीन है हम, रेस में ये जाए मैं जाऊं, जंग की है। आप ने जो आते हुए कहा किया, आपको पहले मुझे पूछना चाहिए था आप किसके खिलाफ जंग लड़ने आए हो। जज्बात में कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरा मंशूर है पहले मड़वा को नेटवर्क प्रॉब्लम पूरी हल करना, उसके बाद मेरा मंशूर है कि यहाँ की बिजली यहीं तैयार करना, 2 मेगावाट बिजली हम, मैंने यहाँ कंपनी भी तैयार की है। अगर ऊपर वाले ने फैसला लिया विदिन 2 मंथ अप्रैल में यहाँ उस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। मेरा मंशूर है यहाँ सोलर प्लांट लगाना, ताकि अगर 6 महीने यहाँ बिजली डिस्कनेक्ट हो जाए वहां से हमें सप्लाई मिले। मेरा मंशूर है, अब अगर आप मेरे साथ जुड़ी गई हो तो होंडा मड़वा टनल को सबसे पहले तोड़ दें, ताकि आप 20 मिनट में मेरे घर पहुंचोगे, मैं 20 मिनट आपके घर पहुंचूंगा। उसके बाद मेरा मंशूर है आपके यहाँ स्पेशल भर्ती करवाना। शर्मा साहब आगे बढ़ो, शर्मा साहब आगे बढ़ो। उसके बाद मेरा मंशूर है यहाँ SPO भर्ती करवाना। उसके बाद मेरा मंशूर है मड़वा वार्ड 1 को पहाड़ी स्टेटस दिलवाना। अगर पाडल में सुनील शर्मा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिलवा सकता है जहां जरूरत नहीं है, जहां 80% मुलाजम है, क्या मड़वा वालों ने जिताया था 2200 वोट दिया था तुम लोगों ने, तुम्हें भर्ती दी नहीं, तुम्हें पहाड़ी स्टेटस का हक नहीं है। जहां जहां अभी बिजली नहीं हो, जहां अभी पानी नहीं हो, जहां अभी नेटवर्क नहीं चलता हो वहां पहाड़ी स्टेटस देना है कि जहां डॉक्टर और KS अफसर हो वहां पहाड़ी स्टेटस चलेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर जबान नहीं है, तुम पूछ नहीं सकते हो क्योंकि तुम दबे हुए हो, तुम पुलिस और आर्मी से डरते हो। इस डर को बाहर निकालना प्यारेलाल का काम है। हम तुम्हारे साथ हैं। रहा लास्ट 2026 में अगर डिलिमिटेशन हुई, मैं इस धरती से वादा करके जाता हूं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दूंगा, आपकी मर्जी के मुताबिक दूंगा। एक बात है, सफरुल्ला साहब आपको बोलता है कि वहां से मुझे हो, देखो ना उसको चाहिए झूठ बोलना ना मुझे चाहिए झूठ बोलना। मैं मड़वा वार्ड 1 से सिर्फ 2000 की उम्मीद रखता हूं, मड़वा वार्ड 1 से
हमारे 49,000 वोट, 25 पे मेरा कब्जा है। गुलाम अहमद सरूरी रात दिन रगड़ रहा है, गेट नहीं खोल रहा है कोई, छात्रों में गेट नहीं खुलेगा। सफरुल्ला साहब 160 पोलिंग स्टेशनों के एजेंट नहीं पूरे कर पाएंगे तो वोट कहां से आएगा? उसको यहां से वोट मिलेगा, वो पहाड़, ये पहाड़ है ना, इसके इधर बंद हो जाएगा। आप इकट्ठा हो दे ही नहीं सकते हो, आपके कितने हिस्से हैं वो हमें पता। आपको पीडीपी को वोट जाएगा, आपका बीजेपी का वोट जाएगा, आपका 17,000 वोट है। 17,000 में अगर आप जोर करोगे 13,000 करोगे, 13,000 पोल होगा ना, 13,000 में 1,500 आपके बीजेपी के जो आपसे टूट ही नहीं रही है। उसके बाद जो हमारा मदारी यहाँ आया मकान बनाने, उसके मदारी सब खेल है, किश्तवाड़ एनसीबी मिली है उसके साथ, रात दिन आपको चलते पैसे बांटते हैं। आप 2,000 पे उसको रोकोगे, 3,500 खत्म हो गए आपके। उसके बाद मैं भी हूँ, मेरी भी बच्ची, लोगों की मुसीबतें सुनती है, लोगों के बीच में जाना है, तब जाके एक नेता बनता है, जब जाके एक लीडर बनता है। ऐसे नहीं होगा, किसी को गाली निकाल के हम लीडर नहीं बन सकते, किसी की तुलना करके। मुझे कहा गया 1.5 करोड़ रुपया खर्चा, वो मेरे जफर साहब 8 करोड़ तो टैक्स दिया साल का, 1.5 करोड़ नहीं खर्च होगा, शादी में एक देता था और क्या कब खर्चा था। हाँ, अगर मैं कोई नेता था, कोई एमएलए था, तो 1.5 करोड़ शादी में खर्चा, तो मैं जुर्मदार हूँ आपका पैसा खर्चा। मैं ठेकेदार हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ, टैक्स भरता हूँ, तब तो खर्चा एक ही बेटा तो खर्चना उसी के लिए तो सारा कुछ था। तो इसलिए ये बातें नहीं करनी है, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता हूँ, छोटा भाई है मेरा। इसलिए आपको चाहिए सोच समझ के वोट देना और जीतने वाले को वोट देना। और मैं वादा करता हूँ, जो मैंने बातें बोली ये 3 साल के अंदर अंदर प्यारेलाल पूरी करेगा आधा।